क्या सीबीआई की कार्रवाई ने विपक्ष को लामबंद होने का मौका दे दिया है? आखिर ममता बनर्जी के आक्रामक होने का राज क्या है? आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सियासत का नया अखाड़ा बन गया है। बीजेपी की नजर जहां ममता बनर्जी के गढ़ पर है, तो वहीं ममता दीदी भी अपने मजबूत किले में सेंध लगाने का मौका किसी को नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि जब सीबीआई की टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर छापा मारने पहुंची, तो ममता बनर्जी खुद ही बचाव में उतर पड़ी और रात भर धरने पर बैठी रही। खास बात यह है कि इस मुहिम में पूरा विपक्ष ममता के साथ खड़ा नजर आ रहा है। दरअसल टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में आयोजित रैली में उमड़ी भीड़ से विपक्ष खासकर ममता बनर्जी खासी उत्साहित थी। लेकिन ममता की इस रैली के महज कुछ दिनों बाद पीएम मोदी ने बंगाल के ठाकुरगंज में एक रैली की जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। आलम ये हुआ कि मोदी को महज 14 मिनट में ही अपना भाषण खत्म करना पड़ा, लेकिन मोदी की रैली में जुटी भीड़ ने ममता का सिंहासन जरूर हिला दिया। सियासी जानकारों की माने तो ममता का परेशान होना भी लाजमी है। बीते कुछ वक्त में जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ राज्य में बढ़ा है, उससे ममता को अपना जनाधार खिसकने का डर सताने लगा है। उधर बीजेपी भी बंगाल की 42 में से 22 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। इसके लिए पीएम मोदी से लेकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, लेकिन ममता भी अपनी ओर से बीजेपी की राह में बाधा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। पहले उन्होंने राज्य में बीजेपी की रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी, इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया। उधर मोदी के खिलाफ ममता के इस तेवर के साथ विपक्ष एकजुट हो गया है। सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठी ममता के समर्थन में तमाम विपक्षी दलों के नेता बंगाल पहुंच रहे हैं। साथ ही कई दलों के नेताओं ने फोन कर उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। तो क्या सीबीआई की कार्रवाई ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया है? इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड की रिपोर्ट।